वेदों में लिखा है मांस खाना, वेदों में लिखा है घोड़े को काट के डाल दो अश्वमेध यज्ञ, गाय को काट के डाल दो गौमेघ यज्ञ। किसी देश की कमर तोड़नी है, उसके साहित्य में मिलावट कर दो, तो यहाँ के साहित्य में मिलावट किया गया और वेदों का गलत भाष्य किया। और अश्वमेघ यज्ञ का प्राय है जिसमें राजा प्रजा दोनों सुखी रहे, उसे अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। वेद एक प्राकृतिक और सार्वभौमिक और ईश्वरीय ज्ञान है, वेद अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। मथुरा के मसानी चौराया स्थित वेद मंदिर में आर्य समाज द्वारा पर्यावरण की शुद्धिकरण एवं मानव कल्याण के लिए पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज के सानिध्य में ब्रह्मांड के बीच महायज्ञ किया गया। आर्य समाज से विपिन बिहारी ने बताया कि ये हवन 6 दिसंबर से चल रहा है और 25 दिसंबर को समाप्त होगा। ये हवन वेदों की रक्षा एवं मानव कल्याण के लिए रखा गया है। मेरा नाम विपिन बिहारी है और मैं अपने आर्य समाज के प्रचार प्रसार को जिले जिले से बाहर देखता हूँ, गुरुकुल का भी कार्य देखता हूँ और वेदों के प्रचार प्रसार का भी कार्य। ये जो हवन चल रहा है कब से चल रहा है? ये 6 दिसंबर से चल रहा है, 25 को कल समापन होगा। कल समापन होगा जी। तो ये इसलिए किस विषय में ये इतना लंबा हवन रखा जाता है आपके द्वारा? ये वेद की रक्षा के लिए, वेद मंत्रों को सुने और दूसरों को सुनाए, और उनकी ध्वनि है वेद मंत्र की, जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। और आज जो जितना प्रदूषण बढ़ता जाता है, प्रत्येक प्रकार का मानसिक और भौतिक, उसे दूर करने के लिए है और वेद की रक्षा के लिए। वेद को पढ़ेंगे और सुनेंगे तभी उसकी रक्षा होगी। किन किन वेदों की इसमें उच्चारण किया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वेदों को पूरा पढ़ा जी। मंत्र का अभिप्राय है, मंत्र माने विचार। ये आपका वेदों की रक्षा के लिए हवन किया जाता है आपके द्वारा जी। वेदों में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मांस को लेकर के या फिर गौ को लेकर के, उन विषयों पे आप कैसे पर्दा डालना चाहेंगे, उन पे क्या है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, हजारों 1500 वर्ष पहले, उससे भी पहले सायण, महीधर, उद्भट आदि लोगों ने वेदों का गलत भाष्य किया। वेदों में लिखा है मांस खाना, वेदों में लिखा है घोड़े को काट के डाल दो अश्वमेघ यज्ञ, गाय को काट के डाल दो गौमेघ यज्ञ आदि आदि। इस प्रकार की भ्रांतियां वेद के नाम पर फैलाए। मैक्स मुलर ने भी कहा कि वेदों में तो गर्दियों के गीत हैं। किसी देश की कमर तोड़नी है, उसके साहित्य में मिलावट कर दो, तो यहाँ के साहित्य में मिलावट किया गया और वेदों का गलत भाष्य किया। तो इसका सही अर्थ क्या निकलता है? हमारे मत महर्षि दयानंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मथुरा में पढ़ने आए, प्राचीन परंपरा से पढ़े और वेदों का सही वैज्ञानिक भाष्य किया। वेद में जो उड़द शब्द है, जो मांस शब्द है, वो उड़द के लिए है, यानी मांस खाने से व्यक्ति ताकतवर बनता है। तो हमने समझे मांस खा, ये मांस पशुओं का खाने से नहीं, उसका अर्थ है उड़द। उड़द आदि खाने से ताकतवर बल बनता है। और अश्वमेघ यज्ञ का प्राय है जिसमें राजा प्रजा दोनों सुखी रहे, उसे अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। और गौमेघ जो कहते हैं इंद्रिय संयम को, और गौमेघ अगर कृषि का विषय है तो गौ नाम भूमि का है, और आकाश गंगा की बात है तो सूर्य की किरण का नाम गौ है। जो विषय हो उसी के विषय से अर्थ बदलता है। तो इसका सही अर्थ ये है और लोगों द्वारा अलग अर्थ इसका? हाँ हाँ, क्योंकि आदिकाल में करीब 2500 वर्ष पहले जो धर्म के नाम पर पशुओं को काटते थे, आहुति उसमें देते थे, तो महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति भी नास्तिक हो गए। तो वेदों में लिखा है मांस खाना, वेदों में लिखा है गाय काट के उसमें डाल दो, तो महात्मा बुद्ध ने ये कहा था भाई हम ऐसे वेदों को नहीं मानते। तो ब्राह्मणों ने कहा वेद तो ईश्वर का ज्ञान है, हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते, तो बेचारे नास्तिक हो गए। अगर सही दिशा उनको मिली होती तो बहुत पहले 2500 साल पहले सुधार हो गया होता। तो महर्षि दयानंद ने वैज्ञानिक भाष किया, उन्हें कहा नरमेघ यज्ञ, ये समझते थे लोग मनुष्य को काट के हवन में डाल दो, लेकिन महर्षि ने कहा कि नरमे यज्ञ के दाह संस्कार को, जो जीवात्मा शरीर को छोड़ दे उसका ठीक प्रकार से दाह कर दे, घी अगर तगर सामग्री डाल के, प्रदूषण न फैले। सोलहवें संस्कार
संस्कार होता है जिसे अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं जी। महर्षि दयानंद आर्य समाज का संगठन बना के और वेदों का प्रचार प्रसार, और वेद किसी देश विशेष के लिए नहीं है, न किसी देश की भाषा में है, वेद एक प्राकृतिक और सार्वभौमिक और ईश्वरीय ज्ञान है, वेद अपौरुषीय है, किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। क्या तो नाम है आपका? जी मेरा नाम संतोष आर्य है। जी ये पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज के सानिध्य में ब्रह्मत्व में चलता है, जिसमें उनका संकल्प 8 क्विंटल घी 8 क्विंटल सामग्री का संकल्प है, इसमें अतिरिक्त भी लग जाता है और 20 दिन का होता है, तो 20 दिन इसमें भोजन की भी व्यवस्था, उन्हीं की तरफ से आवास की व्यवस्था भी देते हैं। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ये हर वर्ष होता है जी, मथुरा में हर वर्ष होता है। ये वेद मंदिर है, ये मसानी चौक स्थित जी। यज्ञ से देखो मोटी मोटी भाषा में ये कहें कि पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है, और भी इसके बहुत सारे मंत्र होते हैं। मंत्र जैसे गुरुजी ने बताया, पूज्य गुरुजी ने बताया कि मंत्र एक विचार का विचार होते हैं, तो इसमें विचारों का बड़ा जीवन में महत्व होता है। जिस तरह से कि कोई कहे कि भाई समाज में बहुत कुरीतियां फैल रही हैं, गंदे विचार फैल रहे हैं, तो यहाँ हाँ जी जी, तो उसी तरह यहाँ जब लोग आते हैं तो उनके विचार बदलते हैं। जैसे कहते हैं कि हम फलां जगह पर गए और वहाँ दर्शन किए, दर्शन का मतलब यही होता है कि हमने वहाँ देखा जैसा माहौल होता है वैसा ही मन में विचार आते हैं। जैसे कोई किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, वहाँ जाते हैं तो मन में विचार आते हैं, अरे यार ये तो एकदम सैड हो जाते हैं। सभी कहीं बारात जा रही होती है तो सभी हर्षोल्लास के साथ में फूलते हैं, तो उसी तरह ऐसी जगहों पर जब जाते हैं तो मन में विचार आते हैं, बहुत अच्छे विचार आते हैं, समाज को एक दिशा मिलती है संतों के माध्यम से, और पूज्य गुरु जी के जो प्रवचन होता है वो बहुत ही मार्मिक होता है। तो यहाँ आज लगभग हजारों श्रद्धालु आए, इसकी कल पूर्णाहुति होगी, कल भी आएंगे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वही के गुरु जी के दर्शन होंगे, वहाँ अच्छे विचार मिलेंगे जिससे कि परिवार में शांति होगी, मोहल्ले में गाँव में सब में शांति होगी, उसी को लेकर के इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है कि जहाँ लोगों के विचार बदले और यज्ञ से जुड़े जी। मैं राम लाल आर्य पुरानो नाम, अब मैं राम मुनि के नाम से जाना जाता हूँ, और 2018 में चारों वेदों का यज्ञ करा करके मैंने ये वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा ली है। गुरु हमारे यही है आचार्य स्वदेश जी महाराज, और अब 2023 में मैं 200 कुंडली यज्ञ अपने गांव टेटी गांव में कराया था। ये स्वामी दयानंद की दो जन्म जयंती पर यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसकी जानकारी यही है, ये तो बस हमारे गुरु जी हर साल कराते ही रहे। कितने वर्षों से हो रहा है ये? लगभग 2014 से मतलब ये हमेशा चलता ही रहेगा, जब तक गुरु जी है तब तक तो चलेगा।